पहले स्प्लिट्स मिला, देन बिग बॉस, और अब खतरों के खिलाड़ी। क्या है मतलब, क्या एडवेंचरस ट्रिप पे निकल पड़े हैं सिद्धार्थ? पता नहीं यार, क्या अजीब सी आदत पड़ गई है मेरे को। मैं तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल देता हूँ। अब आप जैसे आपने कहा, पहले स्प्लिट्स मिला, फिर बिग बॉस, वो भी खतरे ही थे एक तरीके से। वो भी एक बिग बॉस भी एक आई थिंक वाइल्ड लाइफ सफारी थी, और अब खतरों के खिलाड़ी। बट नो, डेफिनेटली दिस इज़, जैसे कि मैं बोलता आया हूँ कि वो जो शोज थे वो मुश्किल लोगों के शो थे, ये मजबूत लोगों का शो है। तो मैं यार, आई कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर इन लाइफ। आई एम 27, 27 साल की उम्र में मैंने स्प्लिट्सविला, बिग बॉस और अब खतरों के खिलाड़ी, होपफुली अगर मैं इसको जीत जाऊँ तो एक अपने लिए एक लैंडमार्क हो जाएगा लाइफ में। प्रिपरेशन से क्यों, तो क्या माइंड में क्या लेके चलेंगे कि जीतना ही है मतलब ये शो? नहीं, ऑफ कोर्स जो भी मैं जिस भी कंपटीशन के लिए जाता हूँ जीतने ही जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं क्या, कोई भी जो जा रहा है लोग जीतने ही जा रहे हैं, कोई हारने के लिए नहीं जा रहा। पर हाँ, जैसे ही जैसे बोलो कि प्रिपरेशन की अगर आप बात करो तो कोई इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है। जो फिटनेस चली आ रही है 5-6 साल से वही कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट करी हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो क्या लगता है किससे ज़्यादा मतलब टक्कर की अगर ये बात करें तो यहाँ कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपको टक्कर दे सकता है आगे जाकर? सभी हैं यार टक्कर वाले, सब लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो अभी क्या फिलहाल क्या मतलब, कितने पंचेस कितने क्रंचेस, क्या क्या चल रहा है, तैयारी किस टाइप से? मैं आपको बात बताऊँ, अगर यहाँ पे पंचेस और क्रंचेस से लोग जीतते ना तो बॉडी बिल्डर ही आते और बॉक्सर्स ही आते, उससे नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, मेंटल फिटनेस की बहुत ज़रूरत है होपफुली, और वो मेंटल फिटनेस वहीं पे जाके पता चलती है। होपफुली मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी और मैं जीत पाऊँगा। फियर फैक्टर है, किस चीज़ से आपको फियर है? मेरे को भी नहीं पता, मैं वही पता करने के लिए फियर फैक्टर में जा रहा हूँ, और जब मुझे पता चलेगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो हाइट से मतलब कूदना होगा कूद जाएंगे, स्विम करना होगा स्विम कूद सकता हूँ। मुझे तो ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा, आप जैसे मेरे को आज तक प्यार देते हैं वैसे प्यार देते रहिए और दुआएं देते रहिए। मैं अगर आप लोगों की दुआएं रही तो ज़रूर जीत के आऊँगा इसको भी। चलिए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, आप जरूर जीत के आए। कैमरा मैन फैजान के साथ, ऊपर वाची फॉर टेलीविजन।